नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। किसानों के द्वारा खून पसीना बहाकर तैयार की गई फसल को सरकार ने खरीदा है, जिसका भुगतान भी अभी नहीं हो पाया, लेकिन अब धान बारिश में भीग कर अंकुरित हो रही है। यह धान उस समय भिगाई जा रही है जब तौल करा कर सैलों में रख दी गई है। इसके बावजूद सैलों को फाड़ कर भिगाया जा रहा है, जिससे लाखों के क्विंटल की धान खराब हो रही है। इतनी ही नहीं, धान अंकुरित हो गई है और यही धान चावल मिलों में जाकर गरीबों के पास पहुंचेगी। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से साजिश कर धान को भिगाया जाएगा और नष्ट हुई धान दिखाकर करोड़ों रुपयों का गोलमाल भी किया जाएगा। यह धान करहिया मंडी में भिगाई जा रही है, जहां उप सचिव कार्यालय भी मौजूद है। आए दिन जिले के अधिकारी भ्रमण भी करते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की नजर भ्रष्टाचार की रखी जा रही स्नीव की तरफ नहीं पड़ता है। धान भीगे और नष्ट हो, इसके लिए पूरी तरह से साजिश रचकर सैलों को फाड़ दिया गया है, जिससे धान नष्ट हो जाएगी और कोई हिसाब किताब भी नहीं मिलेगा। देखिए पूरे वीडियो। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।